नमस्कार दोस्तों, पंजनर में आज हम आए हैं दुलाई बुराई के पास। यहाँ देखिएगा एक सांप आ गया गली के अंदर, जहरीला सांप है, तो उसको रेस्क्यू करते हैं। आइए आपको दिखलाते हैं। कोई बात भैया कमरा में या कहीं ऐसी जगह नहीं है। बारिश की वजह से अब क्या होता है, बरसात के दिनों में जहाँ ये डूबे हुए होते हैं उस जगह पर जब पानी भर जाता है तो ये सांप निकल करके घरों के अंदर सूखे में जाने की तलाश में रहते हैं, क्योंकि घरों के अंदर सूखा होता है तो ये सूखे की तलाश में घर के अंदर घुसने की तलाश में रहते हैं। ये यहीं कहीं किसी पूरे कबाड़े में छुपा हुआ होगा और बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पानी भर गया होगा इसके घर में, तो ये जो है वहाँ से निकल कर अब मौका देख रहा था किसी घर के अंदर घूमने का, इसका सामना किसी इंसान से होता तो ये इंसान को काट ही लेता और इसके काटने के बाद में होता क्या, इंसान की जान चली जाती, क्योंकि जान काट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ से लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, बल्कि बेहद हकीम बाबा उधाव के पास चले जाते हैं, उनके पास भी नहीं सांप का कोई भी इलाज नहीं है और इलाज में देरी होने के कारण लोग मारे जाते हैं। चलिए इसको लेकर के देखिए एक बार छोड़ोगे ये दोस्तों कर लिया इसको पैक। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंसानों को और जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विस दे सकें। बारिश का समय है फिर भी हमने अपनी परवाह ना करते हुए और भीगते हुए पैसे भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सांप को हमने सुरक्षित किया और कॉलोनी को भी सुरक्षित किया है, क्योंकि ये सांप किसी भी घर के अंदर घुस सकता था और किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। तो चलिए, आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।